कैसे हैं, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी भी गुड मॉर्निंग हुई है। आज है 9 सितंबर 2021, हरतालिका तीज है। आपको मेरी तरफ से हरतालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेहंदी देख रही हूँ कैसी लगी है फेस। हेलो गर्ल्स, हैप्पी हरतालिका तीज। कैसे हैं आप सब? तो अभी मॉर्निंग के 12 बजे, मतलब आफ्टरनून हो गया है, लेट से जगी थी एंड जगने के बाद नहा धो लिया है एंड ये सूट पहना है मैंने अभी, इस कलर का है एंड इसका दुपट्टा हैवी है। कुछ नहीं किया है, सिंपल सा रेडी हुआ है क्योंकि शाम में अभी रेडी होना ही है। तो वो पूरा मेकअप मैं स्पेशली रिकॉर्ड करूँगी आप सबके लिए एंड रिकॉर्ड करके वो पूरा मेकअप का वीडियो डालूँगी कि कैसे रेडी हुए एंड मैंने कहाँ से ज्वेलरी ली है, कहाँ से ड्रेसेस लिए हैं। अभी सारी चीज़ें मैं ना एक जगह रख रही हूँ करके, ताकि जब रेडी हो ना तो सब चीज़ें एक जगह मिल जाएँ और इधर से उधर ना भागना हो। अंदर से प्यास जैसा फील हो रहा है थोड़ा थोड़ा, मतलब जब सो के जागते हैं और जब पता है ना जो चीज़ नहीं मिल सकती है उसका तो फील ज़्यादा होता है। तो मेरी सासू माँ जी ने कह दिया है कि शाम में पानी पी सकते हैं। तो अगर आप भी पहली हरतालिका तीज कर रहे हैं ना, तो आप अपने घर में अपनी सासू माँ से या बड़ों से पूछ लें कि आप पानी पी सकते हैं या नहीं। भी मैंने ये वाली छोटी छोटी बैंगल्स डाल रही हैं दो, बस कुछ भी नहीं किया है। तो आइए तैयारी कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गर्ल्स अभी ये वाली साड़ी है एंड अभी रेडी होंगी तो ये साड़ी पहननी है मुझे एंड ये पेटीकोट है, ये ब्लाउज़ है, ये वाली मैचिंग ज्वेलरी मतलब मैंने ली हुई है, ये वाली ज्वेलरी पहनूंगी। ये मेरी गोल्ड की ज्वेलरी रखी हुई है, ये भी पहनना है मुझे एंड ये मेरे बिछिए हैं, ये भी पहनूंगी मैं रेडी होते समय एंड ये पायल भी यहीं रखी हुई है एंड नेल पेंट भी लगाना है। ये सारे मतलब मैंने मेकअप की चीज़ें रखी हुई हैं, सेफ्टी पिन, हेयर पिन्स वगैरह, आलता ध्यान से लगाना है ना इसलिए मैंने ऊपर रखा हुआ है। तो ये है, ये देखिए चूड़ा मैंने बनाया है, चूड़ियाँ अलग अलग लाई थी मैंने, आपको चूड़ी कलेक्शन शेयर किया था ना, उसी में मैंने कहा था कि मिक्स एंड मैच करके आप बहुत ही अच्छी चूड़ियाँ बना सकते हैं। तो ये चूड़ियों का सेट बनाया है, इसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की चूड़ियाँ लगी हैं। देखिए ये वाली अलग है, ये अलग है, येल्लो अलग है, बीच में आप गौर से अगर देखेंगे ना सारी बहुत सारी चूड़ियाँ लगाई हैं मैंने। और अगर आप चाहेंगी ना तो मैं आपको बता दूँगी कि ऐसे मिक्स एंड मैच करके आप चूड़ियों को ना अच्छे से पहन सकते हैं। सारी नई चूड़ियाँ हैं जो कि मैं लेके आई थी स्पेशली आज के लिए। तो ये चूड़ियाँ पहन रही हूँ मैं एंड मेकअप अभी करूँगी तो दिखाऊँगी। मेरे हस्बैंड मार्केट गए हुए हैं फ्रूट्स एंड फ्लावर्स वगैरह लेने के लिए। दो जगह श्रृंगार का सामान देखिए, आप देख पा रहे होंगे दो जगह रखा हुआ है। ये मैंने अपने लिए लिया है जो मैं माता रानी पर चढ़ाऊँगी, उसके बाद खुद यूज़ करूँगी एंड ये वाला मैं दान कर दूँगी। अब दान जिन्हें भी करना है वो मैं अपनी मम्मी सासू माँ से पूछ लूँगी और दान कर दूँगी। तो इसमें मैंने बेसिकली चूड़ियाँ ली हैं, बिछिए लिए हैं, हेयर बैंड, बिंदी के पत्ते हैं दो, ये लिया हुआ है मेरा रहिए एंड ये स्पॉन्ज है, मतलब जो जो चीज़ें मैं नई खरीद के लाई हूँ वो मुझे नीड थी वो ही चीज़ें रखी हुई हैं इसमें। एंड दान के लिए अभी यहाँ पे मैंने लिए हैं रबर बैंड, ये चूड़ियाँ हैं, मेहंदी है, नेल पेंट है
एंड ये सिंदूर है, बिंदी है और ये ब्लाउज़ का पीस है। एंड इसके अलावा मैं ना फ्रूट्स वगैरह और फ्लावर्स वगैरह भी इसमें ऐड करूँगी, दोनों में अभी पांच पांच फल ऐड करूँगी तो फाइनली आपको दिखाऊँ। हाय गर्ल्स, अभी 4 बज गए हैं एंड मैं रेडी होने जा रही हूँ। अभी तो यही पहन के बैठी हुई थी। सूट कैसा लग रहा है मुझे, मेरे मामा जी कैसे गिफ्ट मिला था, मेहंदी भी आप बताइएगा कैसी लग रही है। एंड मेरे हस्बैंड अभी मार्केट जा रहे हैं पूजा का सामान लेने के लिए, फिर पूजा की तैयारी करूँगी मैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर मेकअप करना शुरू कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेकअप का ब्लॉग आपके साथ शेयर करना है। देखिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ। मैंने जितना भी मेकअप लर्न किया है वो सारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम से ही सीखा है, तो जैसा भी आए बस मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मुझे मतलब इस तरह से रेडी हुआ जा सकता है, तो मैं ऐसे वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। प्लीज़ आप लोग बैड कमेंट्स मत कीजिएगा, एक तो ये इतना अच्छा फेस्टिवल है हरतालिका तीज का, तो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा, प्यार दिखाइएगा आप लोग। एंड आप सबको दोबारा से हैप्पी हरतालिका तीज। एंड अभी ना प्यास भी लग रही है, कम बोल रही हूँ इसलिए, तो अब रेडी होती हूँ तब मैं आपके साथ मिलती हूँ और पूजा की तैयारी करूँगी, पूजा के टाइम पे तब मिलती। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे गजिया बनाई थी घर पे, रसगुल्ले जो कि मैंने खुद से घर पे बनाए थे, एंड ये है दही बड़े, इसकी चटनी नहीं बनाई थी, सिर्फ दही बड़े बनाए थे, चटनी मैं नहीं खाती हूँ। यहाँ पे मैंने बनाई थी पूड़ी कचौड़ी, दाल की कचौड़ी थी, दही आलू की सब्ज़ी और भिंडी, ये सारा खाना मैंने खुद से बनाया था। एंड दाल और चावल भी बनाए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड दाल चावल ही खाते हैं, फेस्टिवल था तो कुछ मतलब ऐसा खाना बनाना ज़रूरी था। ये सारी चीज़ें मैंने खुद से ही बनाई थी, तो इस तरह से ही बस दिखा दिया, खा तो सकती नहीं हूँ बस लगा के दिखा दिया। तो यहाँ पे ना पूजा की तैयारी हो गई है, मेरे हस्बैंड मार्केट गए अभी तक आए नहीं हैं, मतलब मुझे ना तस्वीर भी मंगवानी थी भगवान जी की, तो अभी सारी तैयारी करके बैठी हूँ, तस्वीर आएगी तब पूजा करूँगी, पूरी तैयारी करके बैठी हुई हूँ, रेडी होने जा रही हूँ, तो अभी रेडी होके मिल। तो मैं यहाँ रेडी हो गई हूँ, गजरा मैंने आर्टिफिशियल लगाया है, रियल वाले मिले नहीं थे। एंड साड़ी का पल्लू थोड़ा सा सही कर रही हूँ। एंड ओवरऑल अब मेकअप कैसा लग रहा है, हेयर स्टाइल सिंपल ही रखी है, मैंने हेयर सेटिंग स्प्रे नहीं लगाया है क्योंकि मैं घर पे ही रहने वाली हूँ, कहीं जाना नहीं है, तो इसलिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना कॉस्मेटिक डैमेज करते हैं हमारे हेयर्स और स्किन को, इसलिए जितना रिक्वायर्ड है मैं उतना ही यूज़ करती हूँ। एंड बताइए ओवरऑल साड़ी कैसी लग रही है, ब्लाउज़ कैसा लग रहा है, एंड ब्लाउज़ में जो बाजू है एंड ब्लाउज़ की बैक है इस तरह से स्टिच कराई हुई है, तो आप लोग देख के बताइए कैसा लग रहा है ओवरऑल लुक। एंड मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पे कि मेरे सर पे जब पूजा करूँगी तो साड़ी आ पाएगी या नहीं, इतनी जगह है या नहीं, तो हाँ इतना है कि साड़ी मैं सर पे रख सकती हूँ, अपने पूजा करते समय सर पे रखना होता है ना, तो देखिए ऐसा लुक आ रहा है, मतलब कैसा लग रहा है आप अपना ओपिनियन। तो गर्ल्स अभी मैं रेडी हो गई हूँ एंड कैसी लग रही हूँ आप मुझे बताइएगा,
मैंने मांग टीका लगाया हुआ है, नथ पहनी हुई है छोटी सी, अगर आपको देख पा रही हो, और ना बस पूजा करने जा रही हूँ। और कैसा लग रहा है ओवरऑल लुक, साड़ी कैसी लग रही है सब बताइएगा। एंड कुछ मेकअप वाली जो वीडियोज़ है वो भी मतलब मैंने शेयर की हैं, बट मैं एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। एंड मैंने ना छोटी बिंदी लगाई है, बड़ी वाली नहीं लगाई है। एंड ये वाला लुक आप ना गणेश चतुर्थी पे भी कर सकते हैं, गणेश चतुर्थी पे इस तरह का लुक क्रिएट करके आप अपनी गणेश चतुर्थी फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो आइए अब पूजा करते हैं और देखते हैं उसके बाद कुछ फ़ोटोज़, क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया सब चीज़ें देखते हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। ऐसा मेरा लुक आ रहा है फाइनली मेकअप का। एंड कैसा लग रहा है ओवरऑल लुक। ये ज्वेलरी मैंने मीशो से मंगाई थी, चूड़ियाँ कुछ मीशो से मंगाई थी, कुछ ऑफलाइन ली थी, साड़ी फ्लिपकार्ट से ली थी। एंड मेकअप प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो ये सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं, आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आंसर दे दूँगी। हाय गर्ल्स, तो अभी आप इसी फेस देख पा रहे होंगे ना, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है और थकान सी भी लग रही है। अब सोचिए ना, फास्टिंग कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरे अंडर आई में भी आ गए हैं, एक ही दिन में आँखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं। खैर कोई बात नहीं, तो अभी पूजा वगैरह कर ली है और हमारे यहाँ का मैं बताती हूँ आपको क्या है रिवाज और नियम। जैसे जो भी कपड़े पहन के ना अभी पूजा करते हैं, जैसे अभी मैंने पूजा कर ली आपको दिखाई, उसके बाद अब पूजा करूँगी तो कल सुबह 4 बजे दोबारा नहा धो के वही कपड़े पहन के पूजा करूँगी, उसके बाद व्रत खोलूँगी। तो मतलब भी रात में कुछ खा नहीं सकते हैं, सुबह ही खाना है। तो वो कपड़े मैंने साफ़ सुथरी जगह सही से संभाल के रख दिए हैं। कल सुबह अगेन 4 बजे मैं नहाऊँगी, उसके बाद फिर मतलब पूरा हैवी मेकअप नहीं करूँगी, सिंदूर लिपस्टिक और बिंदी लगाऊँगी, उसके बाद फिर चूड़ियाँ भी हल्की कर दी थी, चूड़ियाँ पहन लूँगी और बस पूजा कर लूँगी। पूजा करने के बाद कल सुबह 4 बजे के बाद जब पूजा हो जाएगी ना, उसके बाद मेरा फास्ट मतलब टूट जाएगा, मतलब कहते हैं ना खुल जाएगा फास्ट, उसके बाद खा पी सकते हैं। तो अभी तो वीकनेस हो रही है, बोला भी नहीं जा रहा है, बट मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करना ही है। तो गर्ल्स दिल से प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, आप अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, अच्छी मतलब विशेस दीजिएगा, और आपको सबको हैप्पी हरतालिका तीज। आइए देखते हैं कि मेरे हस्बैंड और मीकू क्या कर रहे हैं। हस्बैंड अभी ना ओट्स बना के लाए हैं, ये है प्रॉपर मतलब ओट्स, कोई भी इसमें क्या नहीं है, ये रोल्ड ओट्स है, रोल्ड ओट्स है, मतलब फुल ऑफ प्रोटीन, लेस कार्ब्स एंड नो फैट। व्रत नहीं किया, व्रत नहीं किया, व्रत है ना तभी तो खा रहे हैं कह रहे हैं व्रत है तभी तो खा रहे हैं। ये देखिए ये खा रहे हैं, ये हैंडसम बॉय यहाँ पे है। और मीकू देखिए क्या कर रहे हैं, ये मीकू भी मतलब जितनी बार ये डोर ओपन होता है ना तो मीकू भी जाने की कोशिश करते हैं। तो चलो इन दोनों को एंजॉय करने देते हैं। तो गर्ल्स आज का ब्लॉग बस यहीं पे एंड कर रही हूँ मैं। एंड मैं गणेश चतुर्थी मेकअप लुक में आज का मेकअप शेयर करूँगी, ये वाला मेकअप आप गणेश चतुर्थी में भी कर सकते हैं। तो अभी पार्ट वन आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने हरतालिका तीज की मैंने क्या क्या तैयारी की है वो बताया था। पार्ट टू मैंने आज का दिन पूरा दिखा दिया शूट करके, कोई कमी रह गई हुई तो उसके लिए सॉरी। एंड अब पार्ट थ्री आएगा जिसमें आज का मेकअप दिखाऊंगी, मैंने कैसे मेकअप किया था। अभी तो वीडियो में जस्ट थोड़ा सा क्लिप ऐड किया था, पूरा डिटेल मेकअप दिखाऊंगी आपको। एंड वो वाला वीडियो एक दो दिनों में आ जाएगा, गणेश चतुर्थी मेकअप लुक करके आएगा।
तो उसको आप देख सकते हैं। अपना लाइक शेयर कर दीजिएगा, दिल से दुआएं दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। गुड नाइट।